सो ये व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी को नए वीडियो में। आज की वीडियो में सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं ऑटोमेटिंग योर बिग क्वेरी डेटा पाइपलाइन विद क्लाउड डेटा प्रेप। तो पासवर्ड को यहाँ से कॉपी करना, कॉन्सोल को जो है इनकॉग्निटो में ओपन कर लेना। सो ये हमारा कॉन्सोल ओपन हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से क्लाउड शेल को एक्टिवेट करना है। सो हमारा कॉन्सोल जो है वो ओपन हो चुका है। इसकी साइज में इंक्रीज कर देता हूँ, ये मैंने साइज इंक्रीज कर दी। अब आपको क्या करना है, बैक आना है, ठीक है, बैक आना है। बैक आने के बाद टास्क वन पे क्लिक कर देना, उसके बाद जो है यहाँ से इसको कॉपी कर लेना, कोड को इधर आना, इधर आके जो इसे पेस्ट करना, एंटर दबा देना। ऑथोराइज करने का बोले तो ऑथोराइज कर देना, एंड ये हमारा ये वाला टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। और वेट करना, तब तक आप क्या करो, इधर से डेटा प्रेप को कॉपी करके इधर ये यहाँ तक रख लो, ठीक है, एंड इधर आ जाओ। सो यार फाइनली ये जो है ये कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, इधर जो है डेटा प्रेप सर्च करना है, ये मैंने पेस्ट कर दिया, एंटर दबा दिया। उसके बाद जो है आपके सामने डेटा प्रेप ओपन हो जाएगा। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको ये फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको एग्री पे क्लिक करना है, इधर ये टिक क्लिक कर देना, एंड इधर एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना, उसके बाद जो है अलाउ करना, अलाउ एंड एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद अगेन अलाउ पे क्लिक कर देना। तब तक आप क्या करोगे, बैक आना अगेन, एंड टास्क वन पे चेक में प्रोग्रेस कर देना। टास्क जो है कंप्लीट हो जाएगा, इसको नीचे स्क्रॉल कर लो। टास्क टू भी ऑलमोस्ट एंड होने आ रहा है हमारा, तो वो भी हम फटाफट कर लेते हैं। सो मैं इधर आ गया हूँ, अगेन बैक, इधर लीव का ऑप्शन है तो लीव पे क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद आपकी प्रोजेक्ट आईडी आ रही होगी, उसको सिलेक्ट कर लेना, देन इधर अलाउ पे क्लिक कर देना, उसके बाद जो इधर चेकबॉक्स पे क्लिक करके एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना, एंड इधर कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगेन बैक आना है। आपका टास्क टू जो है वो कंप्लीट हो गया है बिना किसी दिक्कत के। टास्क थ्री की ओर चलते हैं फटाफट। सो हमें जो है क्विक स्लैप पेटेंट के नाम से जो है ये एक बनाना है। तो अब ये आपको करने की जरूरत नहीं है, एक फाइल की लिंक जो है मैं आपको दूंगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको फाइल मिल जाएगी। सो आपको क्या करना है, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देख रखी, ज्वाइन कर लेना है। सर्च बार में बस इस लैब का नेम पेस्ट कर देना, आपको वाली फाइल मिल जाएगी, एंड उसको बस आप जैसे से मैं कर रहा हूँ वैसे से करना, एंड फाइल का फुल क्रेडिट जाता है क्विक लैब चैनल को, ठीक है। सो इधर मैं आ जाता हूँ, एंड इधर जाने के बाद आपको क्या करना है, फ्लो पे क्लिक करना है, एंड इधर से इम्पोर्ट फ्लो पे क्लिक करना है, चूज फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है याली फाइल है आपको वहाँ पे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप के। तो आपको क्या करना है, बस ये हो चुका है, इधर क्लोज कर देना। ऑटोमेटिकली आपकी ये जो फाइल आ जाएगी इस पे क्लिक कर देंगे हम, एंड इसके बाद आपको क्या करना है, इधर आना है, ये आउटपुट पे क्लिक करना है, देन रन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है आपको इसको नीचे स्क्रॉल करना है, एंड इधर जो है आपको ये जो थ्री है ना इसको टू कर देना, एंड बाकी इसको पूरा रिमूव करके जीरो कर देना, यही काम करना था। अब आपको क्या करना है, अगेन इधर आना है, एंड इधर जो है आप अपना माउस का बटन लेके आओगे तो इधर आपको एडिट का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो इस एडिट पे क्लिक करना, देन इधर जो है आपको इस एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है, अगेन बैक आना है, कॉन्सोल को जो है एक और इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लेना, ये मैंने ओपन कर लिया। उसके बाद एंटर प्रेस कर देना, उसके बाद जो आपका पासवर्ड है वो कॉपी कर लेना, एंड उसको जो है यहाँ पे लेके आना, एंड पेस्ट कर देना, एंटर दबा देना। मतलब आपके एक और कॉन्सोल आप अपन ओपन कर रहे हैं। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, अपने कंप्यूट इंजन में जाना है, ये आपका कंप्यूट इंजन है, सॉरी क्लाउड स्टोरेज में जाना है, ये क्लाउड स्टोरेज में मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद जो है आपको ऐसा डेटा प्रेप की फाइल दिख रही होगी उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो इस अपनी स्टूडेंट आईडी पे क्लिक करना, उसके बाद ये जो जॉब रन है इस पर क्लिक करना है, एंड यहाँ से इसको पूरा कॉपी कर लेना, अगेन बैक आना फर्स्ट वाले पेज पे, इधर आके जो है इसे पेस्ट कर देना, वो पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इधर जॉब रन पे क्लिक करना है, एंड देन अपडेट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है सिर्फ रन पे क्लिक कर देना है, एंड अब जो है ये एग्जीक्यूट होगा, कम से कम 2 से 3 मिनट के आसपास का टाइम लेगा, एंड आपका जो लैब है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही कंप्लीट होता है मैं आपको आगे वीडियो में मिलता हूँ। सो यार जब आपका जॉब स्टेटस इधर कंप्लीट लिखा जाए तो आपको क्या करना है, इधर आना है, अब टास्क 8 पे चले जाना सीधे, एंड नीचे स्क्रॉल करना, नीचे स्क्रॉल करने के बाद जो है बस चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक कर देना, टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इधर आके जो है आप इस पे भी चेकआउट कर लेना, चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करके आपका ये वाला जो टास्क है वो कंप्लीट हो गया। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।